बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है मैं मॉर्निंग रूटीन जो है आप लोगों के साथ जो है ना अपनी जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये सुबह सुबह जो है मैं चाय बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जॉब पे जाना था ऑफिस, और अब्बू को भी सुबह सुबह चाय पीनी होती है, तो उनके लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है मैं चाय बना रही हूँ ताकि जो है मैं जल्दी से पियें और चले जाएँ। तो ये देखिए जी, बाद में मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो घर समेटा। मेरी बेटी जो है ना, शुक्र है वो सो गई थी, तो मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी जो है ना सफाई का काम भी ख़त्म कर लिया जाए। तो ये शुक्र है मैंने सफाई भी जो है ना जल्दी से कर ली, घर साफ़ हो गया। उसके बाद अभी सालन बनाने वाला था, वो भी भिंडी, तो मैंने जल्दी से जो है प्याज काट के ऊपर रख दिए। और जो है ना प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो गया उसमें पानी का छींटा लगा के जो है ना मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी, और इस तरफ भिंडियाँ फ्राई करने के लिए रख दी क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जो है ना मुझे अभी रोटियां भी बनानी थी और सालन भी बनाना था। और ये देखिए जी, प्याज और मसाले को जो है ना अच्छी तरह से जो है मैं भून रही हूँ ताकि इसमें जो कच्चापन ना रहे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च और मसाला जात जो भी इसके होते हैं उसके ऐड कर दिए। और उसके बाद जो है ना ये देखिए भिंडियों का सालन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी साथ जो है ना वो रोटी भी बना ली जाए ताकि नाश्ते का टाइम काम जो है वो ख़त्म हो, और बहुत सारे काम थे। अच्छा जी, तो ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग पे है आजकल ट्वाए, इसको डांसिंग कैक्टस भी कहते हैं और इसको डांसिंग ट्री भी कहते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरी बेटी के लिए, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दूँ क्योंकि ये काफ़ी वीडियोस में काफ़ी देखने को आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसका रिव्यू कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, इसको आपने इस तरह से जो है ना वो स्टार्ट कर देना है, और बाद में जो है ना इसके म्यूज़िक चलना स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बाद में इसी बटन से जो है ना आप इसको ऑफ कर सकते हैं, और आपने देख लिया इसका चलाने का सारा सिस्टम। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बच्चे काफ़ी इंटरटेन हो जाते हैं इससे। अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहें तो ये ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन नहीं ख़रीदा, मेरे हस्बैंड जो वो खुद शॉप से ख़रीद के लेके आए थे, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए जी, किचन का काफ़ी हाल जो है वो बुरा हुआ था, बर्तन जो है वो काफ़ी धोने वाले पड़े हुए थे। तो ये जी, मैंने किचन का फटाफट काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा जल्दी से ख़त्म कर लिया। मेरी बेटी दोबारा से सो गई थी नाश्ता वगैरह करके, तो मैंने काम ख़त्म कर लिया किचन का। और उसके बाद अब्बू के कपड़े प्रेस करने वाले थे, मैंने सोचा जल्दी से अब्बू के कपड़े भी प्रेस कर दूँ, वो सोई हुई है और टाइम की बचत हो जाएगी। और मेरी बेटी के भी काफ़ी कपड़े जो है, एक दो सूट जो है ना वो काफ़ी धोने वाले थे। आपको पता है बच्चों के तो डेली सूट धोने वाले हो जाते हैं, और साथ साथ गर्मियों के तो ये भी मोजे के मतलब लॉन के कपड़े होते हैं, ऐसे होते हैं जो इजीली धुल जाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल होती है कपड़े धोना, और ये कि मतलब कपड़े जो बच्चों को चेंज करना पहनाना, इतने इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं और उतारने पड़ते हैं, और ना काफ़ी सर्दियों में मसला हो जाता है, गर्मियों की काफ़ी मोजे हैं। तो यह जो है ना काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, अपनी बेटी को नहलाया, तो हम दोनों जब थोड़ी देर सो गए, मैंने सोचा चलो कैलूला हो जाएगा और थोड़ी देर जो है ना सो जाते हैं, वैसे भी मैं थक गई थी काफ़ी। तो जो है ना फिर हम लोग सो गए, और कभी मैं आपके साथ शाम की रूटीन भी अपनी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आऊँगी मैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।